नागपुर के दीक्षा भूमि पर 63वें महापरिनिर्वाण दिन के उपलक्ष्य में भारतवर्ष से लाखों अनुयायी आने वाले हैं। ऐसे में दीक्षा भूमि समिति की ओर से आने वालों के लिए अच्छी व्यवस्था की गई है, ऐसी जानकारी विलास गजघाटे इन्होंने दी है। नागपुर में 14 एकड़ में दीक्षा भूमि है। जुलाई 1978 में दीक्षा भूमि स्तूप का निर्माण किया गया था। 18 दिसंबर 2009 को स्तूप का 120 फीट का काम पूरा हुआ था, लेकिन आए दिन स्तूप की टाइल्स उखड़ जाने से बारिश का पानी स्तूप से सीधे नीचे आ रहा है। इस बात को गंभीरता से लेते हुए केंद्र सरकार ने स्तूप की मरम्मत और उसे सवारने के लिए 9 करोड़ मंजूर किए थे, जिसमें से 4.5 करोड़ की लागत से स्तूप का कामकाज किया जा रहा है। ऐसी जानकारी दीक्षा भूमि समिति सदस्य विलास गजघाटे इन्होंने दी है। दीक्षा भूमि का आकार भव्य बौद्ध स्तूप के जैसा होने से यह आने वाले अनुयायी इसे धम्म चक्र स्तूप के नाम से भी जानते पहचानते हैं। संपूर्ण भारत के नव यानी बौद्ध धर्मियों का एक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण दीक्षा भूमि यह धार्मिक स्थली है। भारत के साथ साथ विदेशों में से जापान, थाईलैंड और श्रीलंका से भी बड़ी संख्या में अनुयायी और प्रसिद्ध व्यक्ति इस स्थली में आते जाते रहते हैं। दीक्षा भूमि को जागतिक भूमि भी कहते हैं। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर इनके ख्वाबों का धम्म संस्कार केंद्र तैयार करने की दिशा में काम का शुरू है। नागपुर के इस ऐतिहासिक दीक्षा भूमि के 120 फीट स्तूप का निर्माण वास्तु विशारद शेडानमल शशि शर्मा द्वारा किया गया था, ऐसी जानकारी सूत्रों से मिली है। इस स्तूप को अधिक आकर्षक करने के लिए केंद्र सरकार की नीति सबसे पहले जिलाधीश के पास आती है। जिलाधीश ने अब तक 4.5 करोड़ नीति NIT को दी गई है। केंद्र सरकार से आने वाला फंड कभी भी दीक्षा भूमि समिति के पास कतई नहीं आता है, ऐसी जानकारी समिति के सदस्य विलास गजघाटे इन्होंने देते हुए कहा कि NIT टेंडर निकालती है, जिसके बाद इस निधि को विकास के रूप में खर्चा किया जाता है। उस समय में मेसर स्ट्रक्चरल स्पेसिलाइरिस एंड प्रोजेक्ट डेट ऑफ एग्रीमेंट नंबर B1/25 2018-19 है, तो अमाउंट ऑफ कम्प्लीशन ऑफ वर्क 8 माह बताया गया था। इस काम के लिए उस समय कुल मिलाकर 6,64,71,993 रुपए बताए गए थे। समय के साथ साथ अमाउंट भी बढ़ गए हैं।